फास्फोरस की आवश्यकता नाइट्रोजन व पोटैश से अपेक्षाकृत कम होती है, मगर ये तत्व प्रोटीनों के बनने के लिए आवश्यक होने के कारण उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करता है। फास्फोरस कोशिकाओं के विभाजन, जड़ वृद्धि को प्रोत्साहित और पौधा उपापचय व प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। पौधों में ब्यातों के उत्पादन के लिए ये आवश्यक है। ये नाइट्रोजन के साथ मिलकर गन्ने की परिपक्वता को प्रभावित करती है। पौधे के जिस भाग में कार्यशीलता अधिक होती है वहीं फास्फोरस भी केंद्रित रहती है। रस में फास्फोरस की उपयुक्त मात्रा का होना उसकी ठीक ढंग से सफाई व प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक है। फास्फोरस की कमी ब्यातों के कम बनने व पत्तों के छत्र के पूर्ण होने में देरी का कारण बनती है। गन्ने की फसल द्वारा पोटैश का अधिक मात्रा में अवशोषण के कारण इसे पोटैश के भक्षक के रूप में जाना जाता है। इसकी पौधे की कई प्रकार की गतिविधियों जैसे कि कार्बन समावेश, प्रकाश संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट्स के स्थानांतरण के लिए आवश्यकता होती है। पौधे की कई एंजाइम वाली गतिविधियों जैसे कि शक्कर के संश्लेषण और इसका ऊतकों में भंडारण के लिए स्थानांतरण से भी पोटैश संबंधित है। पोटैश हानिकारक जीवों और रोगों के आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधिता में सहायक होता है और पौधों को गिरने भी नहीं देता। सूखे के हालातों में ये कोशिकाओं की फुलावट बनाए रखने में सहायक होता है। गन्ने को बड़ी मात्रा में खादों की आवश्यकता होती है। गन्ने में करीब 100 टन प्रति हेक्टेयर की उपज लेने के लिए औसतन 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 225 किलोग्राम पोटैश प्रति हेक्टेयर मात्राओं का खादों के रूप में प्रयोग करना पड़ता है। खादों को उपयुक्त वृद्धि प्रवस्था पर ही प्रयोग में लाने से उपयोग में लाए गए पोषक तत्वों से अधिकतम लाभ प्राप्त होते हैं। गन्ना रोपण करने से पहले फास्फोरस खादों को खांचों में डाल तल की मिट्टी के साथ हल्के से मिलाया जाना चाहिए। इन खादों का कभी भी खेत में बिखराव नहीं करना चाहिए।